शादमानी को, खुशी को, मुसर्रत को, अंदर की खुशी को, ठीक है। वो कहते हैं ये जो फेलिसिटी है ना वो कंसिस्ट करती है प्रोस्पेरिंग में, कि जब आप प्रोस्पर कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, ग्रेजुअली आपके अंदर एक अच्छा चेंज आ रहा होता है, ठीक है, आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं। नॉट हैविंग प्रॉस्पर्ड, कि आप तरक्की याफ्ता हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी खुशी इसमें है कि आप फेलिसिटी के आप, आपकी खुशी किसमें है कि आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रॉस्पर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारा आज का दिन हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, तो इसमें खुशी है। ये नहीं कि मेरा आज का दिन कल से भी ज्यादा बुरा है। इट इज सैड दैट चेंज इज, आप देखें जिस दिन आपका आज का दिन कल से बुरा होगा आप कितने डिप्रेस हो जाते हैं, और जिस दिन आपका आज का दिन कल से अच्छा होता है ना उस दिन आप कितने खुश होते हैं, कल मैंने ये नहीं किया था देखा आज कर लिया, कितनी खुशी होती है। इट इज ऑल्सो सैड दैट चेंज इज अ साइंटिफिक प्रोसेस वाइल प्रोग्रेस इज अ मोरल वन, ठीक है। चेंज जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस है जबकि प्रोग्रेस जो है वो मोरल वन है। रसल सजेस्ट दैट चेंज कैन बी आइदर गुड और बैड बट इट कैन बी डाइवर्टेड टू प्रोग्रेस। तो कहते हैं चेंज जो है वो गुड या बैड हो सकता है बट इसको डाइवर्टेड टू प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है। हमें जो है स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए, अपने आप को मजीद बेहतर बनाना चाहिए। एम्पायरिकिज्म प्रोवाइड्स थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी, लॉक्स फिलोसफी सपोर्ट लिबर्टी एंड रिलीजियस टॉलरेशन एंड अपोज एब्सोल्यूट मोनार्की। इनिशियली लिबरलिज्म अ पीरियड ऑफ कॉमर्स, Russel state when Athens become commercial the Athenians become liberal. वो कहता है जब Athens जो Athens जो है वो commercial हो गए तो Athenians जो है वो liberal हो गए। जब वो materialistic हो गए, commercial हो गए, उन्होंने हर चीज को product of commerce बना लिया तो फिर वो Athens जो है वो liberal हो गए, ठीक है। आज हम भी तो liberal ही हो गए। फिर वो कहता है कि he says that in the modern world America is practicing both the virtue. Russel advocates empirical liberalism as the most rational creed. वो कहता है कि जो empirical liberalism है ना ये most rational creed है, आज के दौर की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक logical जरूरत है, and the greatest benefit to mankind, और इसका greatest benefit है to mankind. He gives certain reason for his preference. As empiricism is based on doubt, therefore empiricists could never be fanatic, even in their support of democracy, for they know that democracy is not the best form of government, but at least the most suited under some better system is to be found. The root of this system are held on religious tolerance, therefore empiricists cannot be supposed to burn heretics or murder Jews on a large scale. A liberal government would seldom think to impose hardships on the people at present, so that it might produce some future benefit. The empiricists demand rational evidence for their beliefs and consider the happiness of the mankind as a utilitarian principle of much greater importance than any prevailing creed. Russel admits that there are some drawbacks also attached to this system. वो कहता है कुछ drawbacks भी हैं system के, but he states that these faults are less than the defects of dictatorship. डिक्टेटरशिप, वो कहता है कि ये जो फॉर्स हैं ये लेस हैं देन डिक्टेटरशिप और मोनार्की। ही फील्स दैट विदाउट अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी लाइफ इज हार्डली पॉसिबल ऑन दिस प्लेनेट, कि विदाउट अगर हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो लाइफ जो है वो हार्डली पॉसिबल होगी ऑन दिस प्लेनेट। आगे बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर है उसको आप देख लीजिएगा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी डीप रिलेशनशिप है बिटवीन फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स, आइडियलिज्म पे बात की हमने कि आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या होती है, एम्पायरिकिज्म की बात की, आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ हेगल एंड मार्क्स की बात की, और रसल फिलोसफी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की, क्योंकि ये सारी चीजें हमने आज कवर की।